दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने हर टॉपिक पर चर्चा की है उसी के तारतम्य में दोस्तों कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा आदेश निकाला जा चुका है 2/11/2021 को ही प्रति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त मध्यप्रदेश विषय फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण वर्ष 2022 ईआरओ नेट पर फार्मों की डाटा एंट्री करने के संबंध में। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 नवंबर को जो है मतदाता सूची जो वोटर लिस्ट उसका प्रकाशन हो चुका है, तो उसके अंतर्गत जो फॉर्म जो आए हैं उन सबको पोर्टल पे ऑनलाइन करने के संबंध में हम जानने जा रहे हैं। संदर्भ दिया हुआ है आयोग का पत्र क्रमांक सभी, इसका लिखा है दोस्तों उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 1/11/2021 को जिलों में किया जा चुका है, जिसके तारतम्य में ईआरओ नेट पर फार्मों की डाटा एंट्री चालू की गई है। ठीक है, फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत जिलों में प्राप्त होने वाले फार्मों की डाटा एंट्री ईआरओ नेट पर प्रतिदिन किया जाना है। फार्म वही है दोस्तों, जो फार्म नंबर 6, फार्म नंबर 7, फार्म नंबर 8 जो हम देखते हैं कि नया नाम जोड़ना, किसी का नाम यदि कहीं बाहर चले गए, शादी होगी डिलीट करना या मृत्यु हो गई है तो डिलीट करना, और किसी के जो नाम में संशोधन करना है या किसी भी प्रकार का संशोधन तो वो करना, वही फार्म 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, तो अब उनकी जो है ऑनलाइन एंट्री का चालू हो चुका है। प्राप्त फार्मों की डाटा एंट्री को अन्य दिन के लिए बचाकर ना रखें, ईआरओ नेट पर भार अधिक होने के कारण डाटा एंट्री करने में असुविधा होती, मतलब जल्दी जल्दी ऑनलाइन कर दें। अतः फोटो निर्वाचक नामावली संबंधित फार्मों की डाटा एंट्री ईआरओ नेट पर प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न उपरोक्त अनुसार उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आदेश निकाला जा चुका है 2/11/2021 को ही। तो दोस्तों मेन इसका यही टॉपिक है कि जो अब फॉर्म हमने लिए हैं वो जल्दी जल्दी जो भी बीएलओ साथी हैं, बूथ लेवल ऑफिसर साथी जो हैं, वो जल्दी जल्दी अपने कार्यालय में जमा कर दें। यदि ऑनलाइन फॉर्म फिल करके जमा किए हैं तो अपने तहसील कार्यालय जाकर उस पर टीप लगा दें कि जो भी आपने फॉर्म नंबर 6, 7, 8 भरे हैं तो उसकी जल्दी जल्दी प्रक्रिया कर लें। ठीक है, जिससे कि पूरा ईआरओ नेट पर सारे फार्मों की फॉर्म 6, 7, 8 और 6A8 का सभी की एंट्री जल्दी जल्दी हो सके। ठीक है, और जो वोटर लिस्ट है वो सही तरीके से सही जो 2022 के पुनरीक्षण के लिए जो वोटर लिस्ट जो बन रही है 2022 की एक 2022 की स्थिति में, तो वो सही तरीके से बन सके। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार और भी कोई न्यू अपडेट आता तो मैं आपको बताते रहूंगा, इसके लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।